नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 5 वेजिटेबल का चित्र बनाना सिखाएंगे, वो भी नंबर की हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नंबर की हेल्प से। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। पहले हम आपको यहाँ पे 1 और 2 से बताएंगे, फिर अगले में हम आपको अगले नंबर से बनाना सिखाएंगे। देखिए गाइज, आपको पहले यहाँ पर एक 1 नंबर लिखना होगा। बहुत ही आसान है, इससे आसान आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा। तो गाइज़, यहाँ पे 1 नंबर लिखिएगा। 1 नंबर लिखने के बाद आपको इधर एक 2 नंबर लिखना होगा। और आज हम आपको इस ड्राइंग को कलर भी करना सिखाएंगे, यानी कि जितने भी वेजिटेबल बनाएंगे उसको कलर भी करना आपको सिखाएंगे। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से गाइज़ आपको एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना होगा। एक लाइन आप इधर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, हम यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल का चित्र बनाएंगे आपको उसको सीरियल वाइज उसका नाम हमें कमेंट करके बताना होगा। इधर से दोस्तों नीचे की तरफ हमें बढ़ाना होगा, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। यहाँ से सेम प्रोसेस आप हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए इधर भी ऐसे मिला दीजिएगा। अब आपको ऊपर वाले सिरे को यहाँ से ऐसे घुमाना होगा, इसको भी घुमाइएगा और इधर ऐसे मिला दीजिएगा। छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, एक छोटी सी लाइन इधर भी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपको बनाना है 2 नंबर की हेल्प से। 2 नंबर हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। इधर से एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको डबल कर दीजिएगा। थोड़ा पतला यहाँ पर डबल करेंगे, ये करिए, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाइएगा, इसको भी हम ऐसे डबल कर देंगे। अब डबल हो गया हमारा। यहाँ से भी एक लाइन और आपको बढ़ाना होगा दोस्तों, यहाँ से डबल करिए, ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इसको नीचे की तरफ करते हुए यहाँ से हम इस 2 नंबर के नीचे वाले सिरे पर लाकर मिलाएंगे। छोटी सी लाइन इधर, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक उधर। आप यहाँ पर रैंडमली छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ऊपर के सिरे पर। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, छोटे छोटे लाइनें आपको ड्रॉ करना होगा। इसकी हेल्प से गाजर का जो ऊपर वाला सिरा होता है, जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो। चलिए छोटे छोटे लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और साथ में इसको कलर भी करना आसानी से हम सीख लेते हैं। इसके बाद हम अगला आपको बताएंगे कैसे आपको 3 और 4 नंबर की हेल्प से वेजिटेबल बनाना है। आपको यहाँ पर एक 3 नंबर लिखना होगा। पहले आप एक 3 नंबर यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए एक 3 नंबर हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इस तरह आप डबल 3 नंबर लिखिएगा। अब ऊपर के साइड में यहाँ पे बगल में आप 4 नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ से ऐसे करिए, ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। इस लाइन को हम नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से अंदर की तरफ करना होगा, इसको हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, अंदर की तरफ करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा। आपको यही प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट करना होगा। और आप हमें इन वेजिटेबल्स के नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो नीचे के साइड में आप थोड़ा सा पतला कर दीजिएगा। इसी तरह हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलाएंगे। सेम आपको इधर भी रिपीट करना होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे करिए। इस लाइन को थोड़ा सा हम और आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे, इधर से ले जाइए और इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, एक लाइन आप इधर भी बीच से ऐसे ड्रॉ करते हुए यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिला दीजिएगा। अब देखिएगा, आपको बनाना है 4 नंबर की हेल्प से वेजिटेबल। इसको बनाने के लिए पहले तो आप इस लाइन को डबल करिएगा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाने के बाद यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरह बना दीजिएगा। ऊपर नीचे आप छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे, यानी कि आप VV लेटर लिख दीजिएगा, उल्टा लिखना होगा। इधर से आपको नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से ऐसे ले जाइए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए नीचे की सिरे पर आप ऐसे पतला बना दीजिएगा, यहाँ पर लाकर ऐसे छोड़ देंगे। ऊपर के सिरे से दोस्तों आपको बनाना है इसका लीव्स, यानी पत्तियाँ बनाना होगा। इधर से ऐसे करिए, यहाँ पर बढ़ाइएगा, इधर से ऐसे ले जाइएगा, नीचे की तरफ करिएगा, यहाँ से हम डबल करेंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे। लाइन ड्रॉ करिए, छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर भी ड्रॉ करिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। इधर से भी आपको कुछ पत्तियाँ बनाना होगा। देखिए कैसे बनाना है, पहले तो आप लाइन को आगे की तरफ बढ़ाइएगा,
नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे करेंगे, इधर से ले जाइए, डबल करिए, लाइन ड्रॉ करिए, छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ऊपर के साइड से भी आपको कुछ पत्तियाँ बनाना होगा, यहाँ से ऐसे करना होगा, ये बढ़ाइएगा, एक लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटे छोटे लाइनें यहाँ पर भी आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बीच से आपको लाइन पत्ती बनाना होगा, यहाँ से करना होगा, इसको नीचे की तरफ छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करिएगा। तो गाइस चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं, इसके बाद हम 5 नंबर की हेल्प से वेजिटेबल बनाना सीख। लाइन ड्रॉ करिएगा, पहले आपको 5 नंबर लिखना होगा, इधर से ऐसे करेंगे यहाँ तक, इस तरह 5 नंबर लिख दीजिएगा। 5 नंबर लिखने के बाद आपको इधर से ऐसे ले जाना होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ करिएगा, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे छोटी सी, एक इधर भी आप ऐसे बनाइएगा, इसको आप ऐसे टच कर देंगे। टच हो जाने के बाद इधर से आपको नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, बहुत ही आसानी से आप इसको नीचे की तरफ यहाँ पर मिला दीजिएगा। ये वाला सिरा आपको डबल करना होगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, डबल कर दीजिएगा, थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पत्तियाँ बना दीजिएगा। इस साइड भी हम लीव्स बनाएंगे, यहाँ से हल्का अंदर बाहर की तरफ करिएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस चलिए अब हम इसको आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।